हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहे से बनने वाली बहुत ही अमेजिंग सी, चटपटी सी, कुरकुरी सी, करारी सी रेसिपी। यकीन मानिए, आपने ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, पहले कभी देखी भी नहीं होगी। वैसे तो आपने पोहे के बहुत सारे नाश्ते बनाए होंगे और सभी को खिलाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पोहे की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी है। और तीसरी खासियत इसकी ये है कि आप इसे कम तेल में बना सकते हैं, तो कम तेल की रेसिपी, तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। और बहुत ज्यादा चटपटी है, करारी है, तो बच्चों को लेके बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी पोहा, कुछ लोग इसे चूरा ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम के साथ दिखना कि आप कहां से हैं, ताकि मुझे जगह का भी पता चल सके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम इस तरह से छन्ना रखेंगे। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप सूती कपड़ा भी रख सकते हैं, जो बारीक वाला सूती कपड़ा है वो रखना, मोटा मत रखना। और अब हम इसको अच्छे से इस तरीके से पोहे को धुलेंगे, क्योंकि इस समय कोविड का टाइम चल रहा है और ऐसे में आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और चीजों को धुलकर ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसे 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद लेके आते हैं। तो फ्रेंड, 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, देखिए कितना गंदा पानी निकला है, इसको हम फेंक देंगे। तो वापस से हम पोहे को इस बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे अब हमें इसमें इतना पानी डालना है कि पोहा सिर्फ डूब जाए, इसके ऊपर पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम आधा कप पानी डाल रहे हैं या आधी गिलास, आप जो बोल लीजिए। और इसको हम इस तरीके से हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे आप जितना पानी डालेंगे पोहा उतना पानी सोख लेगा। तो हमें पोहे को बहुत ज्यादा छिपा नहीं बनाना है, इसलिए इतना पानी डालना है कि ये हल्का सा डूब जाए, इसके ऊपर ज्यादा पानी ना हो। तो चलिए इसे कवर करके रख देते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है, आइए पोहे को चेक करते हैं। तो ये देखिए, पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है और कितना खिला खिला सा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया था इसे भिगाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका पोहा बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा और खिला खिला सा रहेगा। अब हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड, हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, जो हमने इस तरह से अच्छे से वॉश करके छिलके को निकाल दिया है। 2 इंच की अदरक थी जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके डाला है। और अब इसके बाद हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे, जो तीखी वाली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 4 से 5 डाल देना, क्योंकि थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। तो पुदीना इस समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए, ठंडक देता है और आपकी आंखों को भी काफ़ी ज़्यादा शांत रखता है, यानी ठंडा रखता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छिलके के साथ इसलिए डाली क्योंकि हमारा लहसुन ताज़ा वाला है, फ्रेश वाला है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 कलियाँ लहसुन की डाल दे रही हूँ। अब बिना पानी डाले हम इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे। तो चलिए करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसा है, हल्का सा मोटा मोटा रखा है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा इस ग्रीन मसाले से। तो सारा का सारा अच्छे से हम इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया, तो हमें कुछ भी बचाना नहीं है और ना पानी का इस्तेमाल करना है इसे पीसते समय। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ना हो या फिर मिक्सी ना हो तो वो लोग कूट कर डाल देंगे। इस तरह से देखिए, मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 1/4 चम्मच तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आती है और ये पचता भी है। तो यहाँ पे हमने 2 पिंच हींग डाल दी है, ज्यादा नहीं डालनी है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे इस तरह से लास्ट में नमक 1/2 टीस्पून तक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक आप खाते हो। नमक डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश हरा धनिया, जो हमने इस तरह से कट कर लिया है, हल्का सा मोटा मोटा। आप चाहें तो इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी फ्रेश वाला डाल सकते हैं, अगर आपको धनिया नहीं पसंद है तो। अपने नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या ड्राई आमचूर पाउडर खटाई भी डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए हमारा पोहा कितना खिला खिला सा है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारी चीजें मिल जाए आपस में और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। तो चलिए इसे कवर करके रख देते हैं साइड में, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे आलू, जो हमने बॉईल करके इस तरह से कट कर लिया है। एक आलू है, बस एक आलू काफी है। अब ये बड़े साइज का था तो मैंने एक लिया है, अगर आपका छोटा है तो आप इसमें 2 ले सकते हैं। अब मैशर की सहायता से हम इसको इस तरह से अच्छे से मैश करेंगे।
तो ये देखिए मैंने मंगा लिया है, इससे काम आसान हो जाता है। पहले मेरे पास नहीं था तो मैं आप लोगों को बोल रही थी मैंने ऑर्डर किया था, तो अब ये आया है लॉकडाउन के बाद। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल अच्छे से इसको मैश कर लेना है। एक आलू से ज़्यादा नहीं डालना है और एक आलू से कम नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो चलिए इसको हम किनारे रख देते हैं साइड में, ये देखिए। तो फ्रेंड अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, तो हमें ख्याल ये रखना है कि हमारा नमक पोहे के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें आलू में ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो क्या है आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड वो है कलौंजी, जिसे आप लोग प्याज के बीज भी कई जगह बोलते हैं और मगरेल भी बोला जाता है। आपकी तरफ क्या बोला जाता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। इसको डालने से रेसिपी का एक तो कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और खाने में टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा, जो हम चावल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ मैंने एक कटोरी लिया है, जो वेट ने हमारा मुश्किल से 50 ग्राम होगा। अब इसको सारे को अच्छे से मिलाते हुए हमको इसका एक आटा लगाना है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो पहले हम मिक्स कर देंगे इस तरह से, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके इसका आटा लगाएंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इस तरीके से हमें इसका एक डो लगाना है, और यहाँ पे हमें डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से मिलाते हुए हम इसका एक बढ़िया सा आटा लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से आपका डो होना चाहिए, बढ़िया तरीके से मसलते हुए। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत ऐड कर देना। तो मैं अभी आपको बता दूंगी कि इतना आटा लगाने में मुझे कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए इस तरह से मेरा आटा लग चुका है, जो ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इस तरह से आटा हमारा लग गया है। और इतना आटा लगाने में मुझे एक कप पानी में सिर्फ एक हिस्सा यूज हुआ है, तीन हिस्सा हमारा बच गया है। अब इसको हमें रेस्ट पे रखना है ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम अपने हाथ को वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आटा हमारा अच्छे से डन हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल इस तरीके से लगाएंगे और इसको हम गूंदेंगे। तो यहाँ पे गूंदेंगे तो ये चिकना हो जाएगा, तो हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं। और इस तरह से मसलते हुए हम इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम पराठा वराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उतना हमारा ये सॉफ्ट ये रेडी हो चुका है। अब हम अपने पोहे को भी चेक कर लेते हैं जो हमने रखा था। तो आ जाइए पोहा आपको देखते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें इसको अच्छे से इस तरह से दबाते हुए मिलाना है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बढ़िया तरीके से मैश करना है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसका चटनी नहीं बनानी है आपको। तो देखिए इस तरह से हो चुका है। अब अपने हाथों को वॉश करने के बाद हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम एक प्लेट ले लेंगे और यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा ऑयल रखेंगे और इस तरह से अपने हथेलियों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल नाम मात्र का। और अब हम यहाँ से एक इस तरीके से तोड़ेंगे और इसको हमें हथेलियों के बीच में इस तरह से फ्लैट करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा, क्योंकि आपका डो जो होगा काफ़ी लचीला होगा, तेल लगाने की वजह से ये छोड़ भी देगा। तो यहाँ पर ये लेने के बाद हम एक हाथ से इस तरह से इसकी हम गोली रेडी करेंगे, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसको इससे इस तरह से कवर कर देना है, देख रहे हैं आप लोग अच्छे से। और अब हम इसको इस तरह से चिकना कर देंगे। तो जब आप ऑयल लगा लेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। ये देखिए हो गई परफेक्ट। अब इसको हम रख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे आगे का काम बताएंगे। तो चलिए बाकी सारी भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। बाकी मैंने फ्रिज में लगा दिया है, आप भी इस तरह से बना कर लगा सकते हैं। तो देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है। अब चलते हैं गैस की तरफ, आपको हम इसे कम तेल में बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और एक पैन रखा है, आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच बड़ा वाला तेल डालेंगे।
तो मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाले हैं और अब हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तो जब तक ये गर्म हो रहा है हम आपको बनाने का तरीका ही बता देंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल अपने हाथों पर अप्लाई करने के बाद एक गोली को हम इस तरीके से उठा के हल्का सा इस तरीके से फ्लैट करेंगे। बहुत ज़्यादा दबाने की गलती मत करना। अब चलते हैं बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हमने जो फ्लैट किया था उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से हथेलियों से हल्का हल्का सा दबाते हुए चारों तरफ इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये फट जाएंगी। तो इस तरह से हम करते जाएंगे और तुरंत डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकती हैं। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। तो फ्रेंड ये लास्ट वाली भी एडजस्ट कर देंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे 2 बैचेस में बना सकते हैं। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक सिकने देंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसे सिकते हुए, अब हम इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो आप इसे चाहें तो हल्का सा डार्क भी कर सकते हैं, देख लीजिए। तो जो हमने पहले डाली थी उसको हमने टर्न कर दिया है, ये हमने बाद में डाली तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे और। तो फ्रेंड 1 मिनट के बाद हम इसको भी पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, आप इसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो मैं इसे हल्का सा लाइट रखूंगी ताकि देखने में सुंदर लगे और ये कम तेल में तैयार हो जाएगा। तो चलिए दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेते हैं धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट पे। तो फ्रेंड दूसरे साइड भी 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसको टर्न करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि दूसरे साइड ये भी ये डन हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही साइड बढ़िया तरीके से कुक हो गया है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो चुकी हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना, देखते ही तुरंत खाने का मन कर रहा होगा आप लोगों का। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लाइट वेट है और दूसरी बात कम तेल की है। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है, तेल हमारा बच्चा का बच्चा ही है। तो आप चाहें तो थोड़ा और कम तेल में बना सकते हैं, तो लेकिन मैंने इसे हल्का सा सल्लो फ्राई किया ताकि ये कुरकुरी बने। तो फ्रेंड लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जिसे हमने पोहे और एक आलू से बनाया है। देख लीजिए काफी ज्यादा गर्म है और इसका जो आप देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसका फाइनल लुक देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, और आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा जल रही है इस तरह से देखिए, तो मैंने गर्मा गर्म निकाल लिया है और आप इसे मेहमानों के सामने जब सर्व करेंगे तो मेहमान आपसे पूछेंगे कैसे बनाया। तो बिना किसी तामझाम के आप इसे बना सकते हैं और अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से देखिए इस तरह से कट रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डन हो गई है। और इस तरह से आप इसको कट करके इस पर चटनी भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी, तो चलिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, देख लीजिए कितनी फ्लफी बनी है। और इस तरह से मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ, आप इसका रिजल्ट जब देखेंगे बनाकर तो आपको खुशी होगी। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ, आप लोगों के लिए मैंने इसको कट करके रखा है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, बाय एंड टेक केयर। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ जल्दी ही हाजिर होती हूँ।